अभी मैं गांव में हूँ और देखिए मेरा लंच दाल चावल दही और पनीर आलू की सब्जी, खाना पीना हो गया और बर्तन भी और किचन सब साफ कर दिया। उसके बाद थोड़ा रेस्ट की और 4 बजे मैं गई खेत फिर से देखने के लिए, क्योंकि अभी तो खेती का काम सब स्टार्ट हो गया। इधर पिलर बैठेगा इसलिए देखिए बैम्बो कटिंग हो रहे हैं। हेलो फ्रेंड्स, आशा करती हूँ आप लोग सब कुशल होंगे। मैं भी इधर ठीक हूँ, अभी मैं गांव में हूँ। अभी सुबह का टाइम नहा के आई, अभी जाके भगवान को पूजा करूँगी और उसके बाद नाश्ता करूँगी। अभी हम लोग का नाश्ता हो गया, आज बनाई थी हलवा, सूजी के हलवा। अभी मैं कल जाऊँगी तो इसीलिए देखिए मेरा पैकेट दे दिए। अब मिक्सर भी काट के खाई थी। अभी मेरा धान अभी तक सेल नहीं हुआ और चूल्हा भी इसे पड़ा है, खाना नहीं बने। इतना धूप होता है ना बाहर, देखिए कितना धूप है, बहुत धूप, इसलिए मैं चूल्हे में नहीं बना पाई। अभी इधर बर्तन पड़ा है धोऊंगी। अंधी तूफान की वजह से 2 दिन करंट नहीं आया था, इसलिए मेरा जो मिल्क खराब हो गया, फ्रिज तो बंद पड़ा ना इसलिए खराब हो गया। और अभी शाम को मैं क्या किया, अदरक डाल के रोटी बनाई थी और बहुत गर्मी लग रहा था तो मैं जाके ऐसे मेरा बेडरूम में बैठ के चाय पी। खिड़की सब लकड़ी का है इसलिए बंद करने से पूरा कमरा अंधेरा लगता है। सब दरवाजा खुला है, उसको बंद करके आती हूँ। ये बहुत धूप आ रहा है, इधर फैन चल रहा है, कोई नहीं बंद किया। अभी मैं गांव से भुवनेश्वर जा रही हूँ और सब ये बेड फेड सब कवर कर दिया, मतलब धूली नहीं पड़ेगा। 1 महीने के बाद आऊंगी और इस पर इसको सब उठा दी और फैन को भी कवर कर दी। बर्तन किचन का बर्तन ला के इधर थोड़ा सा रख दी और बॉक्स में डाल दी, क्योंकि आने के टाइम ना बहुत धुला हो जाता है किचन भी। अभी गैस चूल्हा को कवर करूँगी, भगवान फ्रिज भी बंद हो जाएगा। लाइट ऑफ करके मैं जाती हूँ, फ्रिज पूरा खाली कर दी। और देखिए थोड़ा गार्डन देख लीजिए। अभी केले का पेड़, बैगन को कैसे मैं कवर की हूँ देखिए। बंदर ने तो कुछ नहीं रखेगा, ऐसे ही तो नहीं रखेगा आने के टाइम, पता नहीं क्या होगा देखेंगे। आज मैं गांव से आ गई भुवनेश्वर, मतलब इधर आ गई और देखिए हमारे घर का हालत। पोगा और अनुष्का नहीं है, वो लोग घूमने के लिए कश्मीर गए हैं छुट्टी लेकर अपने पापा मम्मी के साथ। और देखे फिर भी घर का हालत कैसा है। और किशन ने हमारे लिए आज क्या बनाया था, बिरयानी। अच्छा नहीं लगा, इतना फेंकना पड़ेगा। और बर्तन इतना अभी साफ करूँगी, घर थोड़ा साइज करूँगी। इवनिंग टी एंड ब्रेड, ये बड़ा हाफ गांव से मैं क्या लेकर आई हूँ, इतना आम। और इसको अभी करिश्मा गई थी ना बाजार, मतलब मार्केट गई थी, मतलब दिन भर तो मार्केट, सैटरडे संडे 2 दिन उसका मार्केट में दिन जाता है, तो आने के टाइम इसको लेकर आई है। और मेरा फ्रिज का हालत पूरा खराब है, अभी इसको सब साफ किया, थोड़ा थोड़ा ऐसे मतलब साफ कर दिया। और इसको सब फेंकना पड़ेगा, ये जो चावल का राइस पाउडर है ना उसको सब पूरा मतलब बदबू आ रहा है इसमें, उसको सब फेंकना पड़ेगा। कितना चावल का पाउडर में बनाई थी, कितना कष्ट करके। और ये मीठा हम लेके आए थे, ये तरबूज सोदा बजा, इसको खा लेंगे आज। और ये धनिया पत्ता पूरा खराब, सब खराब हो गया। अभी आम को भी अंदर डाल दूंगी, नहीं तो वो भी खराब हो जाएगा। और इसका अंदर भी आम है,
गांव से मैं बहुत तो मतलब पेड़ से तोल के ले गई और किचन गाला केला बा जो केला मैं छोड़ के गई थी कच्चा उसको देखे सब खराब हो गया। ये अंगूर भी ऐसे रख के मैं गई थी कोई नहीं खाई से पड़ा है पता नहीं क्या लगेगा ये सब सामान खराब हो गया। डिनर के लिए आटा गूंथ के रख दी इसको अभी कवर करके रख दूंगी। अभी हाथ धो के भिंडी आलू कटिंग करूंगी। भिंडी और आलू फ्राई करूंगी इसलिए इसको पानी में भिगाऊंगी बहुत दिन हो गया रह गया। भिंडी और आलू फ्राई करूंगी अभी जाके इसको काटूंगी। आलू भिंडी की भुजिया मतलब इसको अभी कवर कर दूंगी। अरे ये तो हो गया और इसको लाके इसमें कवर कर दूंगी। ये पिज्जा बन गया मतलब डोसा का पिज्जा बैटर डोसा बैटर का पिज्जा ये अभी इसको धो के रख दूंगी। मेरा धनिया पत्ते भी सब खराब हो गया उसको फेंकना पड़ेगा। अभी रोटी बनाऊंगी। ये हमारी डिनर रोटी छेना केला भिंडी आलू फ्राई सब लोग खा रहे हैं। बहुत मिस कर रहा था। हाँ, अभी देखो घर का पूरा गंदा करके रखे थे। अरे अरे मीठा मीठा पापा लेके आए थे। हाँ दे दो सब घर को पूरा गंदा करके रखे थे। मटर मीठा दे मटर मीठा दे आ तरबूज काटी दबो खाई दबा तरबूज काटी दबो दोनों झगड़ा लग गए बोला तुम कुछ नहीं क्या बोला तुम कुछ नहीं क्या। हाँ किशन काल बिरयानी बनाया था 10 आदमी के लिए। खाना पीना हो गया अभी इतना बर्तन आज डिश वॉशर में नहीं डालूंगी। आपको वीडियो इतने में इसको सब फेंकना पड़ेगा। आज का वीडियो इतने में रखती हूँ। कैसे लगा लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा।